بالعالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موزز محترم जमी हाजरीन अलकम वरह वक्त अल्लाह रबुल्ज़त का शिक्र अदा करते हैं जिसने हमें एक नेक और साले महफिल में बैठने की तोफ़ीक अदा फरमाए और आप सब साबा अहबाब यहाँ तशीफ़ लाए इस महफिल को रौनक बख्शी हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा किया अल्लाह आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए हाजरीन मोहतरम फ़िक्र आखरत के मौजु पर हमारी एक सिलसिलावार गुफ्तु जारी है अल्लाह इज़्ज़त ने सूरा अनफाल सूर्य नंबर आठ आयत नंबर दो में इशाद फरमाया फरमाया ईमान वाले तो वही लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो अल्लाह की अजमत और जलाल के तस्वुर से उनके दिल डरने लग जाते हैं अल्लाह के हुजूर खड़े होने और उसका सामना करने के तस्वुर से उनके दिल डरने लग जाते हैं कि हम अपने रब का सामना कैसे करेंगे जैसे एक मुलाजिम को गलती कर रहे तो फिर वो डरता है कि मैं अब आप अपने आका के सामने कैसे खड़ा हूं जैसे एक छोटा बच्चा गलती कर ले तो फिर वो डरता है मैं बाप के सामने कैसे जाऊँ कम से कम इतनी कैफियत तो हमारे दिलों में पैदा होनी चाहिए ना? हालांकि इससे ज्यादा होनी चाहिए कि जो बेटा होता है वो आपका खून तो है आपकी मिलकियत नहीं है हम सब अपने रब की मिल्कियत है और हम हर रोज इकरार करते हैं चाहे वह ला इल्लल्लाह पढ़े तो इस बात का इकरार करते हैं कि सब कुछ तू है और सब कुछ तेरा है तेरे सिवा कोई इलाह नहीं कोई मालिक नहीं कोई मुख्तार नहीं मैं भी तेरा हूं जो कुछ मेरे पास है वो भी तेरा है वो चाहे हम पढ़े इन्ना लिल्लाह व इन्ना रून तो इसका मानव यह कि सब कुछ अल्लाह का है इंसान अपनी मिलकियत की नफ़ी करें ला इल्लल्लाह तब ही सच्चा हो सकता है जब इंसान अपनी मिल्कियत की नफ़ी करें कि ना तो अपने वजूद का मैं अपन खुद मालिक हूँ ना जो कुछ मैं रखता हूँ उसका मैं खुद मालिक हूँ ये वजूद भी तेरा है तूने दिया है तेरी अमानत है और जो कुछ भी मेरे पास है वो सब का सब तेरा है तेरी अमानत है जब हम इस तसव्वुर में सच्चे हो जाते हैं तो ला इल्लल्लाह पढ़ने में भी सच्चे हो जाते हैं अब इसको यूं ही समझिए मिसाल से समझिए किसी ऐसी हस्ती ने जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत हो आपकी नजर में आपको कोई चीज अमानत के तौर पर दी हो आप वो इस्तेमाल कर बैठे और उसका नुकसान कर बैठे अब आप बहुत ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसकी इज्जत करते हैं अब आपके दिल में एक खौफ तो पैदा होगा ना कब मैं उनका सामना कैसे करूँ वो अपनी अमानत के बारे पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगा क्यों भी एहसास पैदा होता है या नहीं होता वो जो आमना सामना दुनिया में एक दूसरे के करने का एक ख्याल हमारे दिलों में आता है और शर्मिंदगी पैदा होती है उतनी भी अगर गुनाह करके पैदा हो जाए तो अल्लाह हमारी मकफरत फरमा देता है अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा देता है क्योंकि नबी सात उसम से पूछा गए यार्ला तोबा क्या है फरमाद अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना तो अबा अपने गुनाह पे हो मैंने जो गलती की है जो खयानत की है क्योंकि वो हर नजर की खयानत जानता है कौन सी नजर कहाँ खयानत कर रही है, वो जानता है इंसान अपने साथ बैठे हुए शख्स को अपनी बीवी को धोखा दे लेता है लेकिन खुदा ताला को तो धोखा नहीं दे सकता ना वो हर खयानत को जानता है तो कम अज कम इंसान के दिल में उतनी शर्मिंदगी पैदा हो जाए और फिर बंदा क्या करता है अगर वो मिलें और वो आपसे पूछे मेरी अमानत कहाँ है तो आप कम अज कम शर्मिंदगी के साथ उनसे माफी तो मांगते हैं या नहीं मांगते है। वो जो शर्मिंदगी के साथ इंसान दुनिया में एक दूसरे से माफी मांग लेते उतनी ही शर्मिंदगी से अल्लाह के हुजूर माफी मांग ले तो अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा देता मेरी बात अब समझा या नहीं समझे अल्लाह ताला ने उस तसव्वुर को बयान किया कि जब मोमिनों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो अल्लाह इज़्ज़त की अजमत जलालत उसकी जात का सामना इन तमाम तसव्वुरात को सोचते हुए मोमिनीन के दिल डरने लग जाते हैं और मैंने आपको पहली रूहानी महफिल में एक चीज समझाई थी कि जो मखलूक का डर होता है वो मखलूक से दूर करता है और जो अल्लाह का डर है वो अल्लाह के करीब करता है अल्लाह का डर मखलूक के डर जैसा होता नहीं।, नहीं है बल्कि उसका डर उसके और करीब करता है इंसान को तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होते हैं तोबा करते हैं अल्लाह की पकड़ से डर जाते हैं अल्लाह के गजब से डर जाते हैं अल्लाह के अजाब से डर जाते हैं हाजरीन हम तो जब हवा तेज चले ना हम इंजॉय करते हैं लेकिन इस्लाम की कैफियत थी। ये थी दिल का डरना अल्लाह से जब तेज हवा चलती तो नबीम डर जाते इस बात से कहीं मेरी उम्मत पर आजाब तो नहीं आ रहा क्योंकि तो बहुत सारी कौमें उन पर अजाब आंधी से आया हवा से आया अगर बादल आते तो रसूल सल्लाम डर जाते हम तो एंजॉय करते हैं ना बादलों को देख के हुजूर डर जाते हैं इस बात से कि बहुत सारी कौमों के ऊपर जो अजाब आया वो बादलों की सूरत में आए कहीं मेरी उम्मत पर यह अजाब ना हो तो ये मेरे दोस्तों मेरे भाइयों ये दिल की एक कैफियत अल्लाह ने बयान की है ना तो इसमें कोई एक्टिंग हो सकती है ना इसमें कोई अदाकारी हो सकती है दिल का डरना हर इंसान जानता है कि उसका दिल अल्लाह के साथ कितनी अटैचमेंट रखता है अल्लाह का नाम सुनते उसके दिल में कितनी मिठास पैदा होती है इसको एक कैफियत समझिए मजनून का नाम सुना हुआ ना आपने कैस बनी हाशिम में से है मजनून इसका जनाजा मैंने आपको बताया था इसका जनाजा इमाम हुसैन ने पढ़ाया था जो लैला का आशिक है ना मजनू और इसको मजनू हजरत इमाम हसन ने कहा था इमाम असलम से मिला नहीं बनु आशिम में से था आपने पूछा कि खिलाफत का हकदार तुम्हारे ख्याल में कौन है कैसे पूछा कहने लगा हुजूर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो खिलाफत का हकदार तो मेरी लेला ही है आपने फरमाया मजनून, तू तो यार मजनू बन गया लेला का तो इमाम ने इसको पहली दफा कहा था मजनू फिर उससे लोगों ने कहना शुरू कर दिया मजनू तो अब मजनू की बात सुना रहा हूं इनके बाप ने लिया है मक्का कि चल मेरे साथ हज कर शायद तेरे दिल से लैला निकल जाए तेरे दिल से दुनियावी मोहब्बत की बात है तो अगर दुनियावी मोहब्बत में यह तासीर होती है इंसान की अटेंशन और तवज्जो इतनी गालिब हो जाती है महबूब की तरफ तो जो इश्क हकीकी है उसमें इंसान के दयान ज्ञान का क्या आलम होगा अल्लाह की तरफ और फिर मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जो मजाजी मोहब्बत है ये तो नीरे शिकवे आप औरत से करते हैं औरत आपसे करती यही झगड़ते झगड़ते इंसान बूढ़ा हो जाता है मर जाता है बल्कि शिकवे नहीं खत्म होते मजाजी मोहब्बत वाला कहता है मैं सारी रात रोता रहा तू सारी रात सोता रहा लेकिन जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसकी शिकवे खत्म हो जाते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो कहता है उठ फरीदा ते झाड़ू दे मसीत तू सुता रब जागदा तेरी डांडे नाल प्रीत उठ फरीदा सुत्या या उठने से मुराद नींद से भी उठना है और गफलत से भी उठना है गफलत से भी उठ फरीदा सुत्या या सोने से मुराद यहाँ गफलत भी है यानी नींद से उठ या गफलत से उठ तो चाड़ूदे मसीद मसीद मस्जिद मस्जिद से मुराद यहाँ दिल है कि दिल मस्जिद है खाना खुदाबंदी है यहाँ अल्लाह रबुल्ज़त मुतजली फरमाता है अपनी तजली ज़ाहिर फरमाता है इंसान के दिल पर मेरी बात अब समझे इसी वजह से ये जो दिल है ना दिल इसके तवाफ को हजे अकबरस्त कहा गया जिस दिल में खुदा वाकई मौजूद हो उसकी तजली हो उसका नूर जहूर हो तो चढ़ू दे मसीद यानी इस दिल की सफाई कर यहाँ हसद ना रहे किसी से तकबुर ना रहे तो किसी को हकीर ना समझे ये नहीं कि तू अब नेकी की तरफ आ रहा है तो अब तू दूसरों को हकीर समझने लग जाए ना तू तो दूसरों के लिए भी वही दर्द रख कि जो समझ मुझे अब आ रही है जो समझ मुझे अब आ रही है काश अल्लाह इज़्ज़त इनको पहले ही दे दे मैंने नुकसान किया अपना ये समझने पहले नसीब हो जाए ये खुदा की तरफ लौट आए अल्लाह की तरफ लौट आए अगर ये खुदा की तरफ लौट आया तो दूसरों के लिए दर्द रखे कि ये भी अल्लाह की तरफ लौट है ना नहीं उन, उनके लिए दिल में हकारत रखे हमारे यहाँ ये सोच पाई जाती है नमाज पढ़ता है ना तो वो गिन गिन के अपनी नमाजें बता रहा होता है और वो बेनमाजी को पक्का दोस्त ही समझता है ना ऐसी सोच है या नहीं अभी परसों एक बंदा आया हुआ था ये फारूक गवाह इधर बैठा हुआ था वो बताई जा रहा था मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूँ इतनी नफली नमाजें पढ़ता हूँ इतनी तस्बीहात करता हूँ तो मैंने उसे कहा खुदा के बंदे तुझे अनकरीब रूहानी हैजा होने वाला है तो क्या तुझे, तुझे अनकरीब। हैजे में क्या होता है आप कीमती खुराक खा लें तो वो वो गंदगी बन के निकलती है बेकार बन के बाहर निकलती है गंदगी बन के बाहर निकलती है जो तू जमा कर रहा है ना तुझे रूहानी हैजा होने वाला है सब कुछ बाहर आ जाएगा निकल जाएगा तेरे वजूद से निकल जाएगा तेरी तबीयत से निकल जाएगा अगर कोई शख्स चाहता है कि वो अपना रूहानी हैजा कंट्रोल कर ले या रूहानी हैजा खुद को होने ही कभी ना दे उसकी सिर्फ एक सूरत है इखफाउल हाल अपना हाल छुपा ले अपना हाल अपना हाल छुपा ले जितना हाल छुपा के रखेगा मखलूक से उतना वो हैजे से बचा रहेगा मजबूत रहेगा उसका हाल मजबूत रहेगा कभी उसका हाल कमजोर नहीं होगा अपने और अल्लाह के दरमियान उसको सिर बना के रखे राज बना के रखे मखलूक तुझे गुनागार समझती हो तू अल्लाह की नजर में बड़ा कीमती हो तू अल्लाह की नजर में बड़ा कीमती हो तो ये आपने कभी जंगली गाय देखी है जंगली गाय ना वो कई दफा मोती पड़े होते हैं मोती वो पानी पीने जाती है ना दरियाओं पे वो मोती कीचड़ में लिथड़े होते हैं तो उसकी नजर वो कीचड़ के अंदर मौजूद मोती पे नहीं जाती वो उसको कीचड़ ही समझती है वो उसको कीचड़ समझती है लेकिन जो जोहरी होता है वो उसको देखते पहचान लेता है वो उसको धो लेता है कीचड़ दूर कर देता है मोती संभाल लेता है तो दुनिया जो है ना वो जानवरों की मानद है अहले दुनिया ये किसी कीमती शख्स को कीमती नहीं समझते ये किसी नेक आदमी को कीमती नहीं समझते उसका मजाक उड़ाते हैं है ना ऐसा है कि नहीं अंबिया का को उड़ाया लोगों ने कुरान पढ़िए नबियों का मजाक उड़ाया है नबियों का साथ देने वालों का मजाक उड़ाया इन्होंने और क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला अल्लाह ताला फरमाता है कि हम मोमिन को वो मुकाम देंगे कि मोमिन इन पे हंसेंगे ये तीसरे पारे में मजमून है हम इनसे इनके हंसने का बदला लेंगे मजाक का बदला लेंगे तो मजाक उड़ाया गया कि नहीं लेकिन जब कोई जौहरी को, को अल्लाह वाला उसको देखता है उस मोती को वो कहता है बस थोड़ा सा ऊपर कीचड़ लगा हुआ है इसी को दूर करना है तो ये हीरा इसलिए जो अल्लाह वाला होता है वो किसी से नफरत करता वो किसी भी हाल में कोई शख्स आ जाए वो उससे नफरत नहीं करता वो कहता है, ये हीरा है बस ऊपर थोड़ा कीचड़ लगा हुआ है वो मैंने दोनों ये हीरा है ये अंदर से सुचा मोती है बात समझ आई है ये नहीं आई तो अगर आप चाहते हैं आपको रूहानी हैजा कभी ना हो तो आप अपना हाल छुपा के रखें अपना हाल तो हमारी बात बड़ी दूर निकल गई अल्लाह ताला, ताला ने इरशाद फरमाया कि मोमिन वहीं हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाए तुल ई मा और जब उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाए तो उनके ईमान में इजाफा हो जाए उनके यकीन में इजाफा हो जाए कि हाँ बाकी आखरत आने वाली है और उस दिन सिला मिल के रहेगा जिसने खैर किया उसको भी और जिसने शर किया उसको भी सिला मिल मिलकर रहेगा वह अला रबी हमियत वहलून और मोमिन वही हैं जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखते हैं दोस्तों पर भरोसा नहीं रखते कि मुश्किल के वक्त काम आ जाएंगे अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वो किसी दरवेज़ से किसी ने पूछा अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता आपने फरमाया जब मुश्किल आएगी ना तब तुझे और कोई नहीं नजर आएगा सिर्फ अल्लाह ही नजर आएगा अभी तुझे दूसरे नजर आ रहे हैं ना ये मेरे काम आ जाएगा ये मेरे का... जब तक दूसरे नजर आ रहे हैं अल्लाह कैसे नजर आएगा तेरी उम्मीदें इनसे टूटेंगी अल्लाह से जुड़ेंगी तो उसकी जाहिर होगी ना तेरे साथ तो मोमिन कुरान ने कहा वही है जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो हाजरीन ये मोमिन की पहचान बताएगी कि वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं बोली अल्लाह से